नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए मिर्च के खेत में आए हुए हैं और ये लगभग 1.5 एकड़ के करीब मिर्च लगाई हुई हैं किसान ने, फरवरी के महीने में लगाई हुई बता रहे हैं। कितना क्या प्रोडक्शन हुआ और कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, क्या कुछ खर्चा आता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े किसान हैं। लगभग 20 एकड़ के करीब खेती है और साथ में बकरी पालन भी करते हैं, तो सिस्टम बहुत बढ़िया लगा रखा, ड्रिप वगैरह भी लगा रखा, इसकी जानकारी लेते हैं फिर किसान से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अंकल जी अपना? मेरा रणबीर सिंह है जी। और ये लोकेशन क्या होगी? ये गांव चैलावास। हाँ। कनीना के पास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा, तो मिर्च लगा रखी है आपने? हाँ जी। और क्या क्या लगाते हो? मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, लौकी लगाते हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है अपने पास में? अभी 3 किले में मिर्च बो रखी है जी। 3 एकड़ में 1.5 एकड़ का ये प्लाट है? हाँ जी, 1 किला दूसरा कुआ है उसके। वो दूसरे जगह पे भी है? हाँ, और घिया भी है उधर ही? उधर ही घिया। और टमाटर बेच दिया, अभी बाकी बाजरा। टमाटर का सीजन खत्म हो लिया और बाजरे की बिजाई कर दी उसी गेम पे। प्याज की भी खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये सब्जियों की खेती? खेती लगभग 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए, काफी अच्छा अनुभव है आपका। हाँ जी। अच्छा, तो अगर कमाई की बात करें, थोड़ा इधर देखिए। हाँ, कमाई की बात करें। हाँ, तो कैसा क्या कुछ हो जाता है? बकरी वाला ज्यादा बढ़िया है या ये वाला ज्यादा बढ़िया है? नहीं, दोनों बराबर है जी। बकरियों का भी बहुत बेस्ट काम है। हाँ हाँ। और मिर्चों का भी अच्छा है, लेकिन मिर्चों में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। खर्चा भी ज्यादा है? खर्चा भी ज्यादा है, कमाई भी ज्यादा है। अच्छा, ये मिर्च कब लगाई आपने? मिर्च 2 महीने की 5 तारीख को हम प्योद लगा देते हैं। तो प्योद कहाँ से तैयार करते? प्योद हैं? हम खुद तैयार करते हैं, अपने यहीं पे तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, जिसको प्योद चाहिए वो भी हमारे से मिल सकता है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर तो अंकल जी काफी एक्सपीरियंस है, उसका फायदा उठा रहे हैं आप। हाँ जी। अच्छा, तो मिर्च फरवरी में लगाई आपने? हाँ जी। इसकी तुड़ाई कब से शुरू हुई? 4th महीने के लास्ट में तुड़ाई हो जाती है फर्स्ट। और अब अगस्त का महीना चल रहा है? हाँ जी, अभी 10वें महीने तक चलेंगी। 10वें महीने तक चलेंगी? 10वें तक, यानी कि लगभग 8 महीने की फसल है ये। हाँ जी, 4 तुड़ाई कर ली है मैं। हाँ, इसकी। हाँ, और फिर 1 किले में बोया है दूसरे ट्यूबवेल पे। हाँ, उसमें हम बोते सरसों काटने के बाद 5वें महीने में। अच्छा, ठीक है। वो 85 है जी। तो जैसे कि इस मिर्च लगाते हैं। हाँ जी। कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा बताओ, खेत की तैयारी के बारे में बताओ सबसे पहले। पहले 1 एकड़ में कम से कम 7-8 ट्रॉली गोबर की खाद। हाँ। फिर कुछ 1 कट्टा DAP। अच्छा। और कुछ यूरिया भी मिलाते हैं उसमें। हाँ। और फिर डाल के और फिर उसको जुताई कर देते हैं, फिर बेड बना के। हाँ। बेड बना के फिर ड्रिप लगाते हैं। हाँ। और फिर प्योर लगाते हैं। अच्छा, तो मल्चिंग नहीं लगा रखी है आपने? मल्चिंग नहीं, गर्मियों में क्या थोड़ा सा हवा निकलती रहे जड़ों में। हाँ। तो हम लेब से खुदाई कर ले, वो नलाव करवा देते। तो लेबर की काफी जरूरत पड़ती है इस काम में? हाँ, लेबर हमारे पास से 2 महीने से 10 लेबर पर डे आती है जी। अच्छा, पर डे आती है। पर डे मिर्ची तुड़वाते हो जैसे कि? हाँ, इसकी खोदी लगाना, मिर्ची। हाँ। तोड़ना, बस यही। तो कहाँ जाती है अपनी मिर्च? हमारी रेवाड़ी में भी जाती है, महेंद्रगढ़ में भी जाती है और दादरी में। अच्छा। हाँ जी। खुद लेके जाते हैं डेली? हाँ, पिकअप अपने पास 4-3 क्विंटल डेली जाती है जी हमारी। अच्छा, एवरेज माने जैसे कि रेट क्या लगभग कुछ मिल जाता है? अभी रेट तो मंडी का डेली का भाव होता है जी। हाँ। कभी 15-20-25, गर्मियों में तो 60 भी बिके है जी। अच्छा। हाँ, तो 1 एकड़ से लगभग बचत की बात करें मिर्च के खेत में, तो लगभग कितनी बचत आ जाती है? 2 लाख के करीब 1 एकड़ में आ जाते आराम से। 2-3 लाख रुपए है ना, आराम से बच जाता है लेबर खर्चा सब निकाल के। 8 महीने की फसल है, 2-3 लाख रुपए बचत आ जाती है। हाँ जी। कभी कभी नुकसान भी हो जाता? नुकसान भी हो जाता है जी, बीमारी आते हैं। हमारे गांव में अभी कम से कम 4-5 किसानों की मिर्च है ना। हाँ। वो खराब हो चुकी है। अच्छा। हाँ, खास कर चौमासे में उमस रही, इसको ये मिर्च मानती ना है। हाँ। उसमें बाड़ी खराब हो जाती है। मिर्च में क्या क्या रोग आते हैं? मिर्च में तो कई तरह का, जैसे मुगड़िया इसमें बहुत आता है, मुगड़िया बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा। वो बहुत पत्ता मुड़ जाता है, फिर वो गल के नीचे गिरने लग जाता है। अच्छा। हाँ जी, ये तो सबसे बेस्ट, सबसे खराब रोग है।
सबसे खराब रोग है मरोड़िया का। हाँ जी। कुछ जड़ों वगैरह में भी रोग आता होगा, जड़ गलने का? जड़ गलने का भी आता है, उसके लिए हम खुरपी वगैरह करते हैं, फिर डीएपी डाल देते हैं, कुछ इसमें ड्रिप में दवाई चढ़ाते हैं जी। अच्छा, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है आपने? हाँ जी। तो ड्रिप सिस्टम किस तरह से काम करता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ड्रिप में थोड़ा पानी कम लगता है, जितना चाहिए उतना सोलह एक घंटे चलाना है या डेढ़ घंटा चलाना है। हाँ। तो इसमें पानी जड़ों में जाएगा, ये इसलिए अच्छा, पानी खर्चा कम आता है इसी। अच्छा, काफी अच्छी मिर्च लगी हुई है। हाँ, ये देखो जी मिर्च, और साइज भी देखो, ये मेरे हाथ में है, एक मिर्च टूट गई, ये देखो जी काफी बढ़िया साइज में है, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा अंकल जी, जैसे कि आपने कट्टे में लाल मिर्च भी रख रखी है? हाँ जी, लाल भी हो जाती है कभी लेट, जब तुड़ाई करते भाव नहीं रहता है ना। हाँ, हाँ। छोड़ देते तो लाल हो जाती है, तो लाल में भी मंडी में बिक जाती है, लाल तो भी बिक जाती है, थोड़ा सा कम रेट मिलता है, कम रेट मिलता है ना। हाँ जी। और मिर्च को सुखा के बेचने वाला काम नहीं करते है क्या? नहीं, सुखा के नहीं करते है जी, सुखा के नहीं करते। इधर कोई फैक्ट्री ना है। हाँ। मसाला बनाने की। हाँ हाँ। तो वो दिक्कत आती है, उसको बिकने में थोड़ी दिक्कत आती है। एक बार ड्रिप सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में और थोड़ा सा बताओ। हाँ जी। कैसे क्या कुछ है सिस्टम, ये यहाँ पे आइए। हाँ ये देखो जी, अभी जो आपका बोरवेल है। हाँ जी। वो उधर से आ रही है, उधर से मेन है, जो कुएं से आती है ना ट्यूबवेल से, पहले सबसे पहले इधर आता है। हाँ जी, इधर आता है, फिर इसमें आता है पानी, फिल्टर है। हाँ हाँ। ये साफ होकर फिर इसमें आता है, और ये ड्राम रखा है, इसमें हम दवाई डालते हैं, जैसे लिक्विड डीएपी वगैरह। हाँ, फर्टिलाइजर हो गया या कोई और दवाई। हाँ, हो गई दवाई होते हैं जड़ों में देने के लिए, वेंचुरी के थ्रू आता है ना। हाँ जी। और ये इसका फिल्टर होके फिर आगे इसके ये ड्रिपों में जाता है। एक फिल्टर और आ गया वेंचुरी के बाद में। हाँ जी। और इधर से ये ड्रिप के आपने लगाए दिए हैं। हाँ जी। और वाल भी साथ में लगा रखे हैं, कोई लाइन जैसे बंद करनी हो। हाँ, किसी के नल की तो, कुत्ता वगैरह काट देता है। हाँ, तो उसको बंद करके फिर ठीक कर लेते। अच्छा, तो कमाई का हिसाब तो अंकल जी ने जैसे बता ही दिया कि 2 से 3 लाख रुपए लगभग आ जाता है। हाँ जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस भी हो जाता है। हाँ, कभी कभी फायदा भी हो जाता है जी, जब लॉकडाउन लग गया ना। हाँ। जब हमारी 60 से ऊपर मिर्च बिकी थी, एक साल में कम से कम हम 6 लाख रुपए कमाए थे। हाँ हाँ, पहली बार लॉकडाउन लगा था। हाँ, पहले लॉकडाउन। और दूसरे लॉकडाउन में तो नुकसान आया होगा। दूसरे में नुकसान आया जी, है ना। हाँ। दूसरे लॉकडाउन में, क्योंकि हमने खुद मिर्च लगाई थी। हाँ। पहले लॉकडाउन में हमें प्रॉफिट हुआ। हाँ जी। तो दूसरे लॉकडाउन में ज्यादा मिर्च लगा दी। हाँ। हमने, और दूसरे लॉकडाउन में इतने माटी पीटी कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था हमें भी। तो कुल मिलाकर जैसे कि गेहूं बाजरा की फसल है, उससे कहीं बढ़िया होती है सब्जियों वाली फसल। ये छोटी वाली भी बोते हैं जी, 20 बेड छोटा बो रखे है जी। अच्छा अच्छा, छोटी मिर्च जिसको जोवा मिर्च बोला जाता है। हाँ, हाँ, ये देख जी जी जी, ये 20 बेड हम ये भी बोते हैं, और बाकी क्रांति बोते हैं। हाँ, 3-4 तरह का बीज बोते। क्रांति काफी बढ़िया मिर्च है। हाँ, ना ज्यादा चरचरी है ना ही फीकी है। हाँ, उसका टेस्ट ज्यादा बढ़िया है। मार्केट रेट ठीक है जी, मार्केट रेट भी। हाँ, बढ़िया है। इसमें बीमार भी कम आती है। देखने में भी सुंदर मिर्ची है, काफी बढ़िया साइज में है। ठीक है अंकल जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके।